भाई मेरे को है 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस कि क्लिकसेंस, क्लिकव्यू, टैबलू पे भी किया है। पाइथन की मेरे को जीरो नॉलेज थी। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मैं करता हूँ, श्री कृष्ण जी बोलते हैं, जो भी काम करो अच्छा करो। हाँ जी भैया, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, हम कवर करने वाले हैं। एक तो DBS में डेटा एनालिटिक्स करना ठीक है नहीं है, ठीक तो होता है यार, देखो सारे कॉलेज बढ़िया होते हैं। तो जो मेरे जानने वाले हैं मुक्तेश और माया, वो दोनों ही डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस है माया को, तो उसकी पूरी आपको बताऊंगा कि मतलब 5 साल एक्सपीरियंस वालों के लिए कैसा है, फ्रेशर के लिए कैसा है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक के लिए आप नज़ारे एंजॉय करो, बाकी फिर मिलते हैं मुक्तेश माया के घर पहुँच के। भाई अलग लेवल का पागल देश है, पता है। इतनी प्यारी धूप निकल रही है, लेकिन उसमें भी थोड़ी थोड़ी आप ऊपर देखोगे ना, बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की बारिश पड़ रही। इनका घर इतनी प्यारी लोकेशन पे है ना, मज़ेदार, मतलब पीछे देख सकते हो ना आप, एक नंबर लोकेशन है, पता है ये वाली। और हम भी चाह रहे हैं हमें ऐसा कोई घर मिल जाए, हम अटके पड़े हैं 1 BHK में, जब से आए हैं एक कमरे में ही सब कुछ हो रहा है हमारा। देखो भाई इंडिया यहाँ के भी ना, पता है कपड़े सूख रहे तारों पे, देखो वो सब छोड़ो, इस बंदे को देखो रंग बिरंगा ऊपर चले, पीछे घूमे कैसी लग रही है भाई जैकेट? रिव्यू जैकेट कैसी लग रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मेरे पापा ने भी यही बोला है, धोबी कार्ड बना रखा है, धोबी कार्ड, मतलब आयरलैंड में क्या कपड़े ना तारों पे सूख रहे, देख लो। तो भैया अभी जा रहे हैं हम मोर्टन्स, आज हमें माया खिलाने वाली है पिज्जा, क्योंकि मोर्टन्स में करती है माया काम। तो माया कितना डिस्काउंट दिलवाएगी? 20-30% बस। हाँ तो सबके की वो हिमांशु अपने पास से लाके दे देता है 30%। हाँ मैं वो भी मैं अपने रिस्क पे देता हूँ भाई, अपने जानने वालों को। ये नहीं है कि भाई सबके लिए, भाई देखो क्या होता है व्यवहार, देखो बिजनेस का रूल होता है व्यवहार बनाओगे ग्राहक। तेरा तो बिजनेस है भी नहीं भाई। तो मेरा नहीं है, लेकिन मैं अपना मान के करता हूँ भाई। श्री कृष्ण जी बोलते हैं जो भी काम करो अच्छा करो, मन से करो पूरा दिल से। अगर मैं किसी को 50% डिस्काउंट दे भी रहा हूँ तो भाई वो दोबारा लौट के। देखो भाई मेरे चैनल पे मैं, मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जो है सामने है, ठीक है सामने बकता हूँ भाई, जो एडिटिंग में काट देता हूँ थोड़ी बहुत लाइन, तो सब कुछ सेम होता है मेरी में, ठीक है ना। तो रियलिटी बताएंगे आपको कि एथलेटिक्स, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं मोटन, कुछ खा पी लें उसके बाद। हेलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या है ये? देखो भाई हेजलनट होते हैं, आप इंडिया में तो देखे नहीं होंगे, मैंने भी IPL आके देखे थे, हेजलनट इसमें से निकलता है। तो ये भी नहीं पता ही है क्या हेजलनट दिखा ना। ये है तुम्हारा बादाम, ये तो इंडिया में बहुत मिलते हैं। ये बादाम है या अखरोट? ये तो मुझे पता, क्या अमीरों का स्टोर लग रहा है, कुछ प्राइस 5 यूरो से नीचे कुछ प्राइस ही नहीं है भाई। ये वाला बस स्टैंड सेक्सी है, ये देखो यहां पे लड़के भूख भी पड़ सकते हैं। वाह सही है। हाँ तो भैया अब करते हैं डेटा एनालिटिक्स की बात DBS की, ठीक है। तो मुक्तेश भाई सबसे पहला क्वेश्चन, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है पहले तो ये बताओ। भाई मेरे को है 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरी ही फील्ड में BI के अंदर, जो कि डेटा एनालिटिक्स में ही आती है। अच्छा, और इसमें टूल वूल भी होते हैं ना मेरे ख्याल से, तो किस किस टूल पर आपने काम कर रखा है? BI मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस में टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो काम किया क्लिकसेंस, क्लिकव्यू, टैबलू पे भी किया है, मोस्टली मैंने हर किसी पे कर रखा है, ठीक है। और अब दूसरा क्वेश्चन ये है, DBS का मॉड्यूल फ्रेशर के लिए कैसा है? फ्रेशर के लिए यार मतलब इतनी मुश्किल नहीं है पढ़ाई, क्योंकि हर चीज़ें आपको मतलब मॉड्यूल, इनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है DBS की, एक वेबसाइट है मूडल, उसमें सारा कंटेंट, कोई भी किताब आपको फिजिकल नहीं चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ये लोग अपलोड कर देते हैं, सारे असाइनमेंट्स वगैरह भी होते हैं उसके, डिटेल वगैरह सब कुछ है, प्रोफेसर वगैरह भी, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है आप जो भी पूछोगे ये लोगों से सब कुछ बताते हैं। अच्छा, तो मुझे तो ओवरऑल अगर कोर्स के बारे में बात करूँ तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और नॉट डेट कि भाई बहुत मुश्किल है, कोई कर नहीं सकता, ठीक है। और जैसे तुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो तुझे क्या लगता है तेरे लिए मतलब कुछ नया सीखने को मिला है नहीं मिला, या फिर मतलब कि बिल्कुल मिला, मतलब तेरा तेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मतलब होता है ना कि मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेगा? डेटा एनालिटिक्स कोर्स लोग मास्टर्स क्यों बेसिकली करते हैं, इसलिए कि अपनी स्किल्स और अपर लेवल एनहेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को सिर्फ BI आता था, BI SQL और आपके टूल्स पे मैंने काम किया, बट
इससे भी अलग मशीन लर्निंग हो गई, फिर आपकी पाइथन है, फिर आपके अलग और टूल्स आ गए, तो वो सब चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पाइथन की नॉलेज प्लस मशीन लर्निंग की नॉलेज प्लस स्टैटिस्टिक्स वो सारी ऐड ऑन हो रही है, वो फर्दर हमारे स्किल्स में ऐड ऑन हो रही है, मतलब ओवरऑल फ़ायदा है, फायदा है बंदों को। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि जो असाइनमेंट मिलते हैं वो बनाना इजी है या हार्ड है, मतलब तुमने कैसे क्या मतलब क्या लगता है तुम्हें, मतलब बच्चे काफ़ी होते हैं जो बाहर से भी करवा लेते हैं, उनको करवाना चाहिए या खुद बना के मेहनत करो? मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा ही टाइम पीरियड देते हैं, एक असाइनमेंट के लिए 15 दिन 20 दिन भी ऊपर भी मिल जाते हैं, तो 20 दिन में चार एक असाइनमेंट में ज़्यादा सारा 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन आपको मतलब अब ये तो आप खुद ही बता दो, 4 क्वेश्चन हैं आपको कैसे भी करना है, गूगल कर लो, फ्रेंड की मदद ले लो या किसी दोस्त की मदद ले लो या फिर किसी प्रोफेसर से ही आप मदद लेके अपने आप खुद से R&D करके कर सकते हो। लेकिन तेरे को एक्सपीरियंस है, तेरे को ये सब इजी लग रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर फ्रेशर होगा उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी। मैं भी फ्रेशर ही हूँ यार, मैंने इससे पहले पाइथन नहीं करी थी। अच्छा, तो पाइथन की मेरे को 0 नॉलेज थी, बट यहाँ पे आके मैंने बेसिक से ही सीखा और जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं, लोगों ने मतलब ऐसे ऐसे एक प्लेटफॉर्म भी बताए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि डेटा कैंप हो गया, वहाँ पे आप 0 स्क्रैच से सीख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज ना, DBS में जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है उसमें आपको लॉगिन खुद ही बना के देते हैं, मतलब पेड वर्जन देते हैं हम लोगों को, तो उसमें क्या आप स्क्रैच से सीख सकते हो। तो मैंने पाइथन अपना स्क्रैच से ही सीखा है, नाउ मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरे को आता है, मतलब पाइथन बिगनर लेवल का एक्सपीरियंस नहीं। क्वेश्चन, जॉब अपॉर्चुनिटी तेरे को क्या लगता है कि मतलब है या नहीं है, प्रेशर के लिए अलग और एक्सपीरियंस के लिए अलग, मतलब दोनों के बारे में बता जैसा तुझे लगता है। हाँ, तो पहली बात यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मार्केट बहुत अच्छा है फिलहाल, जैसे यहाँ का इस टाइम का बता रहा हूँ, मार्केट पूरा ओपन है, बहुत सारी जॉब निकल रही है। आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, किस कॉलेज से कर रहे हो, मेरे को तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, किस कॉलेज से कर रहे हो, यहाँ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपके आपकी स्किल सेट आनी चाहिए, आपको आता है वो चीज़ तो यू कैन ग्रैब द जॉब। हाँ, यहाँ की जॉब में ये है कि जो जो वो मांगते हैं है ना मेजरली, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, मतलब आपने काम करा होना चाहिए, तो वो अगर स्पेसिफिक जो वो मांग रहे हैं वो आपके पास है तो यू विल गेट अ जॉब। ठीक है भाई, अभी देखो हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, अगर आपको और भी क्वेरी करनी है ना मैं एक और वीडियो बना दूंगा सेपरेट, क्वेश्चन आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दो चाहे डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो अभी मैंने सिर्फ मुक्तेश का इंटरव्यू दिखाया, माया का भी मैं दिखाऊंगा किसी अगली वीडियो में, क्योंकि भाई वो बंदी आप विश्वास नहीं करोगे 21 लाख का पैकेज छोड़ के आई है, तो कुछ सोच समझ के आई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो आपको ना एक क्या कहते कॉन्फिडेंट बढ़ाती है, मेरा भी पता है इन दोनों को देखते हुआ था कि जब लोग ये इतना सेटल थे ना ये अपनी जॉब छोड़ के आए अच्छी खासी, इसका भी काफ़ी अच्छा खासा पैकेज था, माया का तो था ही। ठीक है, तो इस चीज़ों को देख के मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए डेटा एंट्री को लेके। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे भेजो, मैं फिर दोबारा एक अलग से वीडियो बना दूँगा, क्योंकि अभी देखो मैं स्क्रिप्ट से बनाता नहीं हूँ, आपको पता है जो भी मेरे मन में क्वेश्चन थे मैंने बना दिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए भैया अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, चलो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, कॉन्फिडेंस बढ़ता मेरा भी, ठीक है, कर दो, मैं भी इससे बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ, मैं भी जल्दी देखो मेरी भी डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाता हूँ, पैसे वैसे के लिए नहीं बनाता यार, ठीक है, क्योंकि क्या होता है मेरा भी चैनल है तो मेरे को भी मेरी फील्ड में मेरे को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल।